रहेगी, मगर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। 00VH में ले जब शुरू किया तो प्रेस के हमारे मित्रों ने कहा था कि देखो ये साउथ में सक्सेस रहेगी, मगर जब साउथ से निकलेंगे तो सक्सेस नहीं। फिर महाराष्ट्र में कहा कि हाँ महाराष्ट्र में सक्सेस हो गई मगर हिंदी बेल्ट में सक्सेस नहीं होगी। और फिर हिंदी बेल्ट में जब हम आए कहा अच्छा मध्य प्रदेश में सक्सेस हो गई, बट अब राजस्थान में फैक्शनलिज्म है वहां पे सक्सेस नहीं होगी। और आपने बहुत क्लियरली देखा कि राजस्थान में बहुत लोग आए, लाखों लोग आए, हमारे संगठन ने बहुत अच्छा इफेक्टिव काम किया और शायद सबसे अच्छा रिसेप्शन इस यात्रा का राजस्थान में। यात्रा के लक्ष्य तीन हैं। सबसे जरूरी कि हम हिंदुस्तान को जोड़ना चाहते हैं, जो नफरत हिंसा और डर की राजनीति बीजेपी कर रही है, आरएसएस कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम खड़ा होना चाहते हैं। और ये मैसेज बहुत अच्छी तरह देश में गया है, बहुत अच्छा रिसेप्शन हुआ है इस मैसेज का, ये लोग सुनना चाहते हैं। ये राजनीति करने का एक दूसरा तरीका है, कांग्रेस का तरीका है, गांधी जी का तरीका है। दूसरे दो मैसेजेस हैं, एक जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है उसके खिलाफ, और दूसरा जो महंगाई और जो इनकम इनक्वालिटी हो रही है, जो चुने हुए लोगों को बहुत सारा फायदा मिल रहा है और हमारे जो किसान हैं, मजदूर हैं, छोटे दुकानदार हैं, युवा हैं, उनका नुकसान होता है। तो ये हमारे तीन मुद्दे थे। अगर आप चाहते हैं मैं अंग्रेजी में बोल या हिंदी में, ठीक है, अब आपके जो सवाल होंगे आप पूछ सकते हैं। दैनिक भास्कर से सौरभ भट्ट, माइक दीजिएगा जल्दी जल्दी, संक्षिप्त में प्लीज। नमस्कार, भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में जब से आई है कांग्रेस सड़कों पर एग्जीक्यूट हुई है, कोई बयानबाजी भी नहीं हो रही, कोई विवाद भी सामने नहीं आ रहा, लेकिन जब आप राजस्थान यहाँ से छोड़कर जाएंगे तो क्या स्थितियाँ यही रहेगी, इसके लिए कोई मैकेनिज्म देके जाएंगे या फिर कांग्रेस ऑल इज वेल के बयान से ही काम चलाएगी? मेरी राय है कि जो मैंने देखा है, और ये सिर्फ राजस्थान की बात नहीं है, ये बाकी स्टेट्स की भी बात है, कि मेन इशू कांग्रेस पार्टी कि हमारा जो आम कार्यकर्ता है, जो सड़क पे लड़ता है, जो सड़क पे लड़ता है, जो लोअर लेवल का नेता है, उसको हमें पार्टिसिपेट करवाना है, उसको हमें जगह देनी है और उसकी बात हमें सुननी है। ये मेन इशू है। जो ये बयानबाजी की बात होती है, ये तो आप जानते हो, प्रेस वाले आप थोड़ा मजा मतलब अपने अखबारों में लिखना चाहते हो तो आप करते रहते हो, ये आपकी आदत है, अच्छी आदत है, इससे आपके अखबार बिकते हैं। मगर हमारा जो स्ट्रक्चर है उसमें बड़ी क्लैरिटी है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। पत्रिका से शादाब अहमद। और दूसरी बात देखिए, हमारी पार्टी डिक्टेटरशिप की पार्टी नहीं है, जो फैशिस्ट पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी में थोड़ी सी डिस्कशन हमें ठीक लगती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए। अगर अलग अलग विचार हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये सिर्फ राजस्थान की बात नहीं है, हमारे हर स्टेट में ऐसा है, सेंटर में भी हमारा ऐसा ही चलता है, तो हम इस चीज़ को टॉलरेट करते हैं। ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए, तो अगर ज़्यादा नुकसान होता है तो हम एक्शन भी लेते हैं, मगर जनरली ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है कि लोग, हमारे पार्टी के लोग अगर कुछ बोलना चाहें हम उनको डरा कर चुप नहीं करते, और प्रेस वाले बोलना चाहें तो हम बिल्कुल नहीं डराते, तो आप जानते हैं। राहुल जी, सबसे पहले तो शोधित पूरे करने पर आपको बधाई, और मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। आप कन्याकुमारी से चले और राजस्थान तक आए, इसमें 6 स्टेट ऐसे हैं जिसमें कांग्रेस अपोजिशन में, और राजस्थान ऐसा अकेला स्टेट है जहाँ पर कांग्रेस रूलिंग स्टेट है, तो इसमें आपको क्या अंतर देखने को मिला? आप लोगों से मिले हैं, वहाँ पर भी खूब लोगों से बातचीत हुई है, यहाँ पर भी आपको लोगों से बातचीत हुई है, जो स्कीम्स हैं उसको लेकर, और जो
वहाँ पर अपोजिशन में जो भी चीजें थी उसमें क्या फर्क आपको महसूस हुआ? सबसे पहले मुझे जमीन से एक बात समझ आई, और ये तमिलनाडु से लेकर राजस्थान तक, कि कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता है, कांग्रेस पार्टी का जो सपोर्टर है, उसके कोई कमी नहीं है। लाखों करोड़ों लोग हैं, और सिर्फ हमारी पार्टी के लोग नहीं, मतलब आम नागरिक भी बहुत, मतलब कांग्रेस पार्टी से बहुत प्यार करते हैं। तो ये तो देखने को मिला हर स्टेट में। जो आपने कहा, जब हमने यात्रा शुरू की, मैंने भी सोचा था कि एक्चुअली जो केरला में हमारा संगठन है वो शायद बहुत